हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। देखिए आज हम बनाने वाले हैं बिग साइज़ का स्टोरेज बैग। देखिए उसके लिए मैंने दो पीसों को क्विल्ट करके रेडी करके रखा है। देखिए इस तरह से बीच में मैंने राइस बैग लगाया, नीचे की तरफ एक और पुराना कपड़ा लगाया, ऊपर की तरफ मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है। एक्चुअली जो ये बेडशीट थी, ये बीच में से इसका कहीं कहीं से कलर फेड हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ रीयूज़ किया जाए। तो आज हम इसके साथ बनाने वाले हैं बिग साइज़ का स्टोरेज बैग, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये पीस मैंने रेडी किया है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से है ये 23 इंच, ये देखिए 23 इंच, और इस साइड से एक लंबाई है इसकी 45 इंच। ठीक है, आप एक पीस रेडी कर लीजिए, चाहे कितनी ही लंबाई या चौड़ाई का रेडी कर लीजिए, दूसरा पीस है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट से आप अपने साइज़ का बैग बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दो स्ट्रिप मैंने रेडी किया, इसकी लंबाई है 28 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। इसमें भी मैं राइस बैग डालते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसकी फाइनल मेजरमेंट है जो इसकी चौड़ाई तो रहेगी 1 इंच और लंबाई वही सेम 28 इंच रहेगी। देखिए बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे बना लेंगे। देखिए जो दूसरा मैंने रेडी किया था पीस, ये देखिए इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बाद में बताती हूँ, समझा दूँगी कैसे मैंने इसकी लंबाई या चौड़ाई ली है। इसी के इक्वल मेजरमेंट की मैंने जिप ली है, इसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ रखते हुए, यानी कि दोनों की सीधी साइड सामने सामने रखते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सिंपल सिलाई मशीन है, 16 नंबर की नीडल लगी हुई है। 16 अगर ज़्यादा मोटा हो जाए तो आप 18 नंबर की नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ईजिली पुराने कपड़ों से हम इस तरह के स्टोरेज बैग बना सकते हैं। मार्केट में इस तरह के बैग बड़े कॉस्टली मिलते हैं। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। बहुत ही ईजी और आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमारी इसके ऊपर चेन को मैंने अटैच कर लिया। अब देखिए चेन लगाने के बाद इसकी कितनी लंबाई हुई है, देखिए इसको हम मेज़र कर लेते हैं। जिप लगाने के बाद हमें मेज़र करनी है, ये है 14 इंच। ठीक है, तो देखिए मैंने जो पहले वाला पीस था उसको ले लिया है, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो दोनों साइड पहले हम हैंडल अटैच कर लेते हैं, तो जहाँ से खुला है दोनों साइड हम 7-7 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं, यानी कि दोनों साइड 7-7 इंच छोड़ देंगे और ऊपर की साइड से हम लगाएंगे निशान 2 इंच पे, 2 या 2.5 या 3 इंच पे आप लगा सकते हैं। मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ, अपनी अपनी आपकी मर्जी है। ठीक है, हैंडल को इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, जो निशान लगाया उससे अंदर की तरफ रखते हुए हम इस पर एक बॉक्स शेप में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और साथ में उसके ऊपर क्रॉस भी लगा देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह सेम इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी हैंडल को अटैच कर लेना है। चलिए मशीन पे चलते हैं, हैंडल अटैच करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने हैंडल को अटैच कर लिया, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, अब हमें इस पे निशान लगाना है। देखिए जो हमारा जो दूसरा पीस था उसकी जो चौड़ाई थी वो थी 14 इंच, तो 14 इंच का 1/2 हुआ 7 इंच। ठीक है, मैं फिर से मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से है ये 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच का 1/2 हो गया 7 इंच। ठीक है, तो हम इसका बेस बनाएंगे वो 14 इंच का बनाएंगे, तो हम डबल फोल्ड है तो मैं 7 इंच पे इस पर निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी। और चाहो तो आप इसके बीच का निशान लगा सकते हैं, मिड पे आप हल्का सा कट लगा लीजिए। देखिए सेम यही निशान मैंने अंदर की तरफ भी लगा लिए। ठीक है, तो अब देखिए इधर से मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से यहाँ पे रखूँगी 7-7 इंच के, या फिर आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बीच में मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे, सेम इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर सकते हैं आप, फोल्ड करके इसका भी मिड का निशान लगा लीजिए। आप इस तरह भी निशान लगा सकते हैं, और दोनों को देखिए इस तरह से रखते हुए, दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ है, उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ, वो आपकी मर्जी। अगर मैं बाहर की तरफ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर की तरफ पाइपिंग निकालनी है, अगर आपको पाइपिंग नहीं निकालनी है तो आप क्या करोगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए आप सिलाई लगाएंगे। सेम यही सिलाई मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है वो जो साइड में चारों तरफ हमारा जो बच गया 3 साइड की, उतनी मेजरमेंट मेज़र करके आप वहाँ से इसकी लंबाई को मेज़र कर सकते हैं। देखिए जिप में रनर भी डालना मैं बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से जिप में रनर डालेंगे, हल्का हल्का दोनों तरफ से डाल के
पीछे की तरफ से हम इसको पकड़ लेंगे और आगे की तरफ इसको जिप को पुश करेंगे। ये देखिए इस तरह से आराम से जिप में रनर डल जाएगा। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी जिप में रनर को इंसर्ट कर लेना है। देखिए हल्का सा अलग कर लेते हैं जिप को और ये देखिए सीधी साइड इस तरह से डाल लेंगे हम। सेम इसी तरह दूसरी तरफ से भी डाल लेंगे और पीछे की तरफ से पकड़ते हुए आगे की तरफ जिप को हम खींच लेंगे और ये जिप में रनर हमारा डल गया दोनों साइड से। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा ली थी, थोड़ी सी और मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आप चाहो तो हाफ इंच का थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं ताकि आपकी स्टिचिंग करना ईजी हो जाए। देखिए मैं पूरी लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी मैं स्टिच कर लूँगी इस चीज़ को आराम से ईजली। आज मैं आपको ये वाला मेथड बताने वाली हूँ। कल जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगी बैग बनाने के। बैग बताने के लगातार मैं आपको 4 या 5 मेथड बताने की कोशिश करूँगी जिससे आप इजीली बैग बनाना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से बीच का निशान लगाना है दोनों पार्ट का और उसके ऊपर रखते हुए लंबाई में हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बीच का निशान लगा लिया मैंने, कट लगा लिया, आप निशान लगा लीजिए फ्रेंड्स। सेम इसी तरह इसको भी मैंने रख दिया। इस तरह से रखते हुए मैं लंबाई में इस पर सिलाई कर लेती हूँ। देखिए ये जो बीच दूसरा पार्ट है इसकी लंबाई बताना मैं आपको भूल गई थी फ्रेंड्स। तो मतलब उसकी जो लंबाई इस तरह से निशान रखने के बाद जो साइड में से जो कपड़ा बच गया हमारा थ्री साइड से जो अब हम स्टिच करने वाले हैं, देखिए उसकी मेजरमेंट ले लीजिए आप और फिर इसकी लंबाई नाप लीजिए आप। अब देखिए इसका भी मिड का निशान लगा लिया मैंने और यहाँ से इसका भी मिड का निशान लगा लिया। अब थ्री साइड से हमें इसको स्टिच करना है तो थ्री साइड की मेजरमेंट जितनी होगी उतनी ही हमें इस कपड़े की लंबाई चाहिए। देखिए इस तरह से मैं बीच वाले पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे मैं पिनअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों साइड इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से अरेंज करते हुए यहाँ से यहाँ तक, देखिए एल शेप सी बन के यहाँ से यहाँ तक। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी एल शेप बन जाएगी, उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले मशीन पे चलते हैं इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। सेम इसी तरह से हमें अब ऊपर वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक तीनों साइड हम इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये बैग बनते हैं और जैसे मीशो वगैरह पे या अमेजोन वगैरह पे इस तरह के बैग जब हम खरीदते हैं वो 500-700 की शेप मतलब आते हैं और कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं होता, जल्दी ही वो ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए एक पट्टी मैंने और ली है इस पर पाइपिंग निकालने के लिए क्योंकि हमने बाहर की तरफ सिलाई की है जो दिखाई दे रही है उस पर हम इस तरह से उसकी फिनिशिंग के लिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम उस पर पट्टी को अटैच कर देंगे। देखिए आप चाहो तो इस तरह से भी आप पाइपिंग निकाल सकते हैं या फिर मैंने बाकी वीडियो में कई तरीके बताए आपको पाइपिंग निकालने के, जो भी आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे पे मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ और इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। हमारे पास जो पुरानी चादर होती हैं या पुराने सूट सलवार वगैरह होते हैं उनसे भी हम ये बैग इजीली बना सकते हैं और लंबे मतलब मैक्सिमम लगा लो 20 ईयर्स तक तो मतलब ये बैग चलते ही चलते हैं अगर इनको मतलब हम मशीन वॉशेबल है, हैंड वॉशेबल जैसे भी आप इसको वॉश करो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही सुंदर बनते हैं ये बैग, कंबल रखना चाहें, रिजाई रखना चाहें या जो भी चीज़ भी आप इसमें रखना चाहें रख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसकी फाइनल मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, 23 इंच, यहाँ से इसकी चौड़ाई है 15 इंच और जो लंबाई है वो है 14 इंच का। ये बैग हमारा रेडी हुआ है। इस तरह से हम किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं और इजीली ये बैग बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड। आई होप आपको ये बैग पसंद आया होगा। अगर बैग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये बैग बना है हमारा, ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारा सामान आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह के बैग अगर हम बना लें तो हमारी अलमीरा वगैरह बेड वगैरह भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। आई होप आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, अब रेगुलर मेरी वीडियो आएंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।